नमस्कार साथियों, मैं राजवीर राजवीर गोट फार्म जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं, इसमें आपको नई जानकारी देने वाले हैं। साथियों, आज की जानकारी सभी भेड़ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन हो चाहे गाय पालन हो, सभी पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथियों, आज हम आपको बताएँगे कि भैंस बकरी पालन में या पशुपालन में अपने बाड़े में, अपने फार्म में कई तरह के मच्छर, मक्खी, कीटनाशक पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों को, उनके जानवरों को काफ़ी नुकसान होता है, बीमारियां हो जाती है, चीचड़ लग जाते हैं। उनके लिए हम आपके लिए एक समाधान लेकर आए हैं। तो साथियों, हम इस बाड़े में, जो हमारे बाड़ा है ये देख लो, इसके अंदर बकरियाँ बैठती है, इसके अंदर हम पाउडर का छिड़काव करने वाले हैं। हम बताएंगे लास्ट में आपको कि कौन सा पाउडर है। देखो साथियों, हमने इस बाड़े में पाउडर का छिड़काव कर दिया है। इसमें मच्छर मक्खी, ये जालियाँ ना, इनके अंदर मच्छर मक्खी पैदा हो जाते हैं, पनपने लगते हैं, इसलिए बकरियाँ बैठने में भी उनको दिक्कत होती है। इसलिए हम इसमें इसका छिड़काव कर रहे हैं। ये देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से छिड़काव कर रहे हैं, इससे इनमें फंसे मच्छर मक्खी वगैरह कितना दवाई है ना, ये सब मर जाएंगे, उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे इस पाउडर के इस्तेमाल से। और आपका पशु बकरियां बैठने में बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल रहेगी। तो इस तरह से मेरे को छिड़काव करते हैं, ये पाउडर हमारी, और इसको मैं छिड़क रहे हैं चारों तरफ, जहाँ पर मतलब गंदगी ज़्यादा है वहाँ पर छिड़काव कर दें। और ये बाड़ है, इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर छिड़काव कर देंगे, इसको चारों तरफ इसका छिड़काव कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से, ताकि, और ये छिड़काव दो चार पाँच दिन में, पाँच सात दस पंद्रह दिन के अंदर करते रहना चाहिए। ये देखो, इनके अंदर क्या मच्छर वगैरह काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हमारे जानवर को बीमार करते हैं और उनके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये हमारा पाउडर है, हम आपको बताएंगे लास्ट में कि कौन से पाउडर है, आप भी किसी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बताएंगे हम आपको। पहले इसका पूरी तरह से छिड़काव कर देते हैं, इस छिड़काव करने के बाद में आपको बताएंगे हम कि कौन सा पाउडर था उसके बारे में। ये हमने पूरे बाड़े के अंदर छिड़काव कर दिया इनका, देख लो साथियों, कंप्लीट छिड़काव हो चुका है। ये पाउडर है साथियों, जो हम फसलों के अंदर छिड़काव करते हैं कीटनाशकों के लिए, फफूंदीनाशक के लिए, वही पाउडर का इस्तेमाल अगर हम हमारे यहाँ पर कर देंगे तो जहर, उनके जहर के कारण मक्खर मच्छर मक्खियाँ नहीं पन पाएगी, जिससे हमारे बीमार नहीं होंगे पशु और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इन्हीं की वजह से हमारे कभी कभार पशु बीमार होकर के मर जाते हैं, बकरियाँ वगैरह, तो नुकसान पशुपालकों को ही होता है। इसलिए ये छिड़काव करते रहना चाहिए 10-15 दिन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगा आपको, और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी मिल सके। जय हिंद।